अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिया की मामा ब्राइडा लंदन से। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अ रूम बुक फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन थ्रू एयरबीएनबी। तो ये हम एंटर हो गए हाउस में। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे शुरू में स्केड्यूल एक लगा हुआ था जिसमें रूम नंबर्स और फ्लोर बताए हुए थे कि कौन सा रूम कौन से फ्लोर पे है। मेरा रूम नंबर 4 है और वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। एलिया एक्साइटेड हो गई सीढ़ियाँ देखते ही और रूम की तरफ भागना शुरू हो गई है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको अपने रूम का शॉर्ट सर्वे करवाते हैं। और ये कोर्ट्स के थ्रू रूम्स जो हैं लॉक किए हुए हैं इन्होंने। अच्छा, ये किचन है। ये किचन रूम नंबर 4 एंड रूम नंबर 3 के बीच में शेयर्ड है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस की काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लगी हुई है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम जो है वो भी शेयर्ड है दोनों रूम के बीच। वॉशरूम के अंदर भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लगी हुई थी इंस्ट्रक्शंस की। एलिया फ़ौरन से एक्साइटेड हो गई कि मम्मा जी कम टू द रूम। अच्छा, ये अब मैं आपको अपना रूम दिखाने वाली हूँ। और ये रूम में एक अलमारी है जो कि काफ़ी बड़ी है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें मैंने आते ही अपने और एलिया के कपड़े जो हैं वो हैंग कर दिए क्योंकि बाहर अच्छे नहीं लग रहे थे। सूटकेस मैंने बाहर ही रहने दिया क्योंकि इतनी जगह नहीं थी अंदर रखने के लिए और मुझे आते ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने अपने लिए नूडल्स और चाय बनाई। ये साथ इन्होंने टॉवल्स भी दिए हुए थे लेकिन ये इस्तेमाल नहीं किए हमने क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर टू यूज़ देम। एलिया ने आते सर यहाँ पे टीवी देख लिया और टीवी देखते ही माशाल्लाह से काफ़ी एक्साइटेड हो गई और उसने ज़िद करना शुरू कर दी कि भाई मुझे तो कार्टून लगा दें। तो इसको नाश्ते वाले कार्टून लगा दिए जो कि इसके काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा हैं। और ये कमरे के अंदर भी इन्होंने लंबी चौड़ी हाउस रूल्स की लिस्ट लगाई हुई है डैट वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। अच्छा, यहाँ पे इट्स वेरी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू बुकिंग्स इन पाकिस्तान। सफाई का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। और ये एलिया को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो इसके लिए डोनट्स ऑर्डर किए, कुछ फ्राइज़ ऑर्डर किए और मुझे भी दोबारा से भूख लग रही थी तो दोबारा से खाना ऑर्डर किया हमने। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो